गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 6 आवर टीथ. द टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर फॉर टूथ डिके इज ब्रशिंग टीथ. यानी कि दांतों को कीड़ा लगने से हम कैसे बचा सकते हैं ब्रश करने के तरीके से. टूथ ब्रश रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स स्टक टू द टीथ एंड बिटवीन द टीथ. यानी कि टूथ ब्रश का काम क्या होता है, रिमूव द फूड पार्टिकल्स. यानी कि खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे टीथ के ऊपर स्टक होते हैं, लगे हुए होते हैं, उसको हम ब्रश करके रिमूव कर सकते हैं. इट इज़ गुड टू ब्रश अवर टीथ आफ्टर एवरी मील. ये अच्छा होता है कि हम हर एक बार खाने के बाद अपने टीथ को ब्रश करें. और एटलीस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. कम से कम दिन में ब्रश दो बार करना चाहिए. इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर स्लीपिंग. यानी कि एक बार दिन में और एक बार रात में सोने से पहले. Use a dental flush to clean between the teeth. यानी कि टीथ को क्लीन करने के लिए एक डेंटल फ्लश को भी यूज करना चाहिए. After every meal, wash your mouth and gargling. यानी कि हर एक बार खाना खाने के बाद आपको अपना माउथ वॉश करना चाहिए और गार्गल करना चाहिए. Next page. Some rules are given below to show you the best way of brushing. यानी के कुछ rules दिए हुए हैं यहाँ पे brush करने के लिए. Brush the upper teeth with downward. यानी के जो ऊपर के teeth होते हैं उनको downward नीचे की तरफ करना चाहिए brush को stroke. And in one direction and lower teeth. यानी के एक ही direction में करना चाहिए brush को. Upward stroke is one direction. नंबर टू, ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ टीथ. यानी कि आपको फ्लैट सरफेस पे भी ब्रश करना चाहिए. मोलर्स एंड प्रीमोलर्स विद स्क्रबिंग स्ट्रोक. यानी कि मोलर्स और प्रीमोलर्स को भी स्क्रब करते हुए ब्रश करना चाहिए. ब्रश ईच एरिया एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स. यानी कि हर एक एरिया को 5 से 7 टाइम्स ब्रश करना चाहिए. ब्रश ईच जॉ सेपरेटली. यानी कि दोनों जॉ में अलग अलग ब्रश करना चाहिए. यू शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स और चॉकलेट्स. आपको बहुत ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए. बिकॉज जर्म्स ग्रो फास्टर ऑन स्वीट्स. यानी कि जब हम स्वीट्स खाते हैं तो क्या जर्म्स बहुत जल्दी आ जाते हैं वहाँ पर. दैट स्टिक टू द टीथ. और जो कि हमारे दांतों पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. वेल बैलेंस्ड डाइट इज टू बी टेकन टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू योर टीथ. यानी कि हमें अपने दांतों की मजबूती के लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए. डोंट ईट टू हॉट और टू कोल्ड फूड. यानी कि हमें बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए. विजिट योर डेंटिस्ट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर आपको टूथ की कोई प्रॉब्लम है तो एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. डेंटिस्ट में दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए. नाउ क्विक स्क्रॉल ऑफ दिस चैप्टर. यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है हमने, अब आप देखते हैं. लेट अस रीड. इन्फेंट्स आर बॉर्न विदाउट टीथ. यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो बिना टीथ के होते हैं. उनके टीथ नहीं होते जब वो न्यू बॉर्न होते हैं. तो बाय द 6 मंथ द चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग टीथ. यानी कि 6 मंथ के बाद चाइल्ड में टीथ आना स्टार्ट हो जाता है. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर नोन एज मिल्क टीथ. जो पहला सेट होता है उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं. द चाइल्ड ऑफ 6 ईयर्स स्टार्ट्स लूजिंग मिल्क टीथ. और जो 6 ईयर्स के जाते हैं चिल्ड्रन तो उनके टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं. द चाइल्ड ऑल्सो गेट्स अ न्यू सेट ऑफ द टीथ विच आर नोन एज परमानेंट टीथ. यानी कि जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद जो न्यू टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. टूथ कंसिस्ट ऑफ क्राउन नेक एंड रूट. यानी कि टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन नेक एंड रूट. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. कौन कौन से होते हैं? इंसिसर्स, कैनिनीज, प्रीमोलर्स, मोलर्स. द हार्डेस्ट सब्सटेंस. यानी कि जो बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है. इनेमल ऑफ द टीथ कैन बी. यानी कि इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. इनेमल ऑफ द टीथ कैन बी स्पॉइल्ड हो सकता है बाय द स्मॉलेस्ट जर्म्स. बहुत ज़्यादा छोटे जर्म्स जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस. यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से बहुत जल्दी स्पॉइल हो सकते हैं जो टीथ होते हैं.
द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो इनेमल होता है टीथ का, कैन बी स्पॉइल हो सकता है बाय द स्मॉलेस्ट जर्म, छोटे से छोटे जर्म्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस से खराब हो सकता है. ओके चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.